What's up viewers, welcome back to Kesar Vlog. Hope you are doing well. मैं स्वप्न विश्वकर्मा आपसे पहले करता हूँ आपको नमस्कार. तो चलिए शुरू करते हैं आज की व्लॉग. व्लॉग बनाने में थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि कल रात हम लेट आए थे खाने के चक्कर में, क्योंकि जहाँ हम खाने गए थे उस जगह पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी और मैनेजमेंट बहुत बुरी थी, तो हमें खाना तो मिलने में बहुत टाइम हो गया. दिमाग ख़राब हो गया तो क्या कर सकते, दिमाग ख़राब को सही करने के लिए थोड़ी नींद भी लेनी पड़ी, तो इसलिए हम लेट सोए. फिर मंदिर जाने का जो हमारा प्रोग्राम था वो हमने थोड़ा पोस्टपोन किया, वो हम जाएंगे शाम को. तो अभी टाइम हमारे पास बहुत है, तो अब हम सोच रहे हैं कि पूल है यार, पूल में जाना बनता है, तो अब चलते हैं पूल में. और कुछ चीज़ें हैं इस होटल की जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको आए आपको खाना खाना हो, लास्ट में डिनर करना हो, तो आप नीचे रेस्टोरेंट में जाके करें, यहाँ पर मत बुलाएं ऑर्डर करें, चूँकि वो नहीं आता. Tried and verified and tested. पूल तो बड़ा खाली खाली सा. अबे तैर रहा है, उड़ा रहा है पानी, तैर रहा है पानी उड़ा रहा है. तो अभी हम पूल में हैं, इसको तो तैरना आता है, देखो तैरे पड़ा है, बट मेरे को एक ट्रिक मिली है तैरने की, मैं आपको दिखाता हूँ. देखो देखिए, देखो अगर आपको तैरना ना आता हो तो आप ये लीजिए बॉल, इसको यहाँ रखिए, ऐसे पकड़िए और मैं हवा में उस टाइम मेरे पैर ऊपर है, ये देखो इससे मैं डूबूंगा नहीं. कोई जो लपट जा पूरी बॉल पे, पैर देख कहाँ डूबेगा भाई, डूबेगा नहीं भाई, डूबोगे तो नहीं भाई, धीरे बोल भाई, मैं यहीं पे हूँ रोल कर रहा. ठीक है, रेडी 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 भाग्य हो, खैर तो गलत हरकतें कर रहे थे तो भाग गया. बस मैं आपको एक बात बताना भूल गया, तो स्विमिंग पूल पे वैसे चार्जेज है, अब क्या कर सकते हैं, है तो है. तो स्विमिंग पूल के चार्जेस जो है एडल्ट के लिए 200 रुपये और बच्चों के लिए 100 रुपये. स्विमिंग कॉस्ट्यूम अगर नहीं लाए हैं तो आप यहाँ पे मिल सकती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है. प्राइस बस 50% है, 50% कह रहा हूँ, 50 रुपीज़ है ओनली. तो हम आए नहीं थे, अगली बार हम ध्यान रखेंगे. तो आपको मैं एक जिंदा लाश दिखाता हूँ, पूल में मिली मेरे को, ये देख रहे हो, मिल जाती कभी कभार. नंगू पंगू टोली में चलिए, रेडी वेडी तो हो चुके हैं नहाने के पूल में, अब निकल रहे हैं हम बाकी बैर मंदिर के लिए. थोड़ा लेट हो गए हैं और जाम भी बहुत दिखा रहे हैं मैं, क्यों भाई मंदिर का पार्ट खोल चुके हैं और प्रेम मंदिर के पास में, समझ रहे हो ना, लेट इसलिए हो गए भाई, बारिश हो रही थी, मौसम अभी साफ हुआ है कि नहीं, अब मौसम ऐसा है. बस निकलते चलिए और पहुँचते हैं. अरे बहुत गंदा है, तो हमने थोड़ा थोड़ा स्टॉप लगाया निधि वन की तरफ, बांके बिहारी के जाने से पहले. Thank you.
तो बाकी नया मंदिर से आ चुके हैं, बहुत ठंडा हो रहा है, गर्मी लग रही है, तो इसी बात हो जाए लस्सी लस्सी पस्सी लस्सी पस्सी चीयर्स पी चुका है हरा। इसके बाद भी लेट्स हैव अ लस्सी, मिलता है थोड़ी देर बाद, फिर देता हूँ पूरी डिटेल क्या हुआ। तो वापस आ चुके हैं होटल में अपने, बाकी बिहारी पे बहुत भीड़ थी और कैमरा अलाउड है, आप अंदर कैमरा ले जा सकते हो। मैंने वीडियो बाहर तक की बनाई क्योंकि मुझे वैसे भी पसंद नहीं है मंदिर का फ़ोटो वोटो दिखाना या वीडियो बनाना, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी श्रद्धा है, क्या कर सकते हैं। बाकी जो आप मैं कोई इम्पोर्टेंट बता देता हूँ जिस वजह से हम लेट हुए हैं आज, वो कल का रेस्टोरेंट जिसकी वीडियो आपको अभी दिखाता हूँ। ये इस रेस्टोरेंट के चक्कर में यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, आप मत जाना खाने चाट चपाटी चौपाटी, तो वहाँ पैसे काट लेंगे, पर्ची दे देंगे और कहेंगे रिफ़ंड नहीं है, तुम्हें लेना ही पड़ेगा खाना। और खाना इतनी लेट आता है, इतने स्टाफ ऐसे तेजी की तेजी कर रखी है स्टाफ ने। एक और चीज़ आपको बताने के लिए, अगर आपको वृंदावन में ट्रैवल करना है तो मंदिर की एंट्री और गेट टाइमिंग बंद होते समय दोनों टाइम, एंट्री टाइम और एग्ज़िट टाइम ना ही घुसे तो बढ़िया है, बाकी टाइम आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो, नहीं तो बहुत भीड़ मिलेगी, बहुत ट्रैफिक मिलेगा ऐसे ही। मैं पहले निकल जाता है, कूदेगा बीच में तो कोई कट तो मार नहीं सकता क्यों भाई। बाकी कुछ नहीं, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो इसको करना है लाइक, ऐसी ब्लॉग दे रखने के लिए चैनल करना है सब्सक्राइब और ये बेल आइकन दबाना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए। अगर कोई डाउट सजेशन देना हो तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो मेरा। मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय, राधे राधे।